मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये सोचा था, मैं ठान किया आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊंगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। साई केतन राव, थैंक यू। काफी कुछ सीख कर निकला और डिसीजंस कैसे लेते लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए ये भी मैंने सीख कर गया हूँ। तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फिलहाल बाहर भी मैं और लवकेश यू आर ऑन गुड टर्म्स, यू आर एट गुड फ्रेंडशिप टर्म्स पे। No more comments on personal things. Thank you. एक बार हो गया वो हो गया, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यार, वो सब वो सिर्फ घर की बातें होती है क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है। मैंने ऐसी कोई बहुत गंदी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था इट वाज ओनली रिएक्शन। सरा ने बताया कि बात आपने यही गाली दी थी, सरा ने क्या क्या आपने बाकी गाली दी सामने से? यार किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो, जाके एपिसोड को देखो। ऑल द बेस्ट टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस। मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी अपने फायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ना। तो गेम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी दोस्ती तोड़ूं अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी जिंदगी में ये रूल अप्लाई करता हूँ। आपको लगता है फिजिकल फाइट्स भी हुई है, और कहीं ना कहीं बाहर लोगों का भी ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है, व्हाट डू हैव टू से अबाउट दैट? ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज वेरी सेफ, कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सना सना के लिए क्या कहेंगे? सना 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 आई ऑलरेडी बोल दिया, कांग्रेचुलेशंस। सना सुल्तान या सना सुल्तान? सना सुल्तान के बारे में जी, वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं उससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। क्या प्लानिंग है, क्या करने का इरादा है आगे, फ्यूचर टेलीविजन शो? आप बहुत कुछ है लाइंड अप, एंड ऑलरेडी मैंने कुछ साइन अप किया, मैं बताऊँगा। थोड़ा सा यहाँ पर इस तरफ थोड़ा और उधर, बस बड़ा लुक है सेंटर लुक। थैंक यू भाई, थैंक यू।